हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर बात करने वाला हूँ किस तरीके से आप अपने फ़ोन में जो कि इजीली आप ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग हो गया उसको इनेबल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर यही से बात करने वाला हूँ। फ्रेंड्स, अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में घंटी का ऑप्शन आए तो उसे भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का अपडेट मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट से। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको जाना होगा सेटिंग में। तो सेटिंग में जाने के लिए आपको, सॉरी फ्रेंड्स, आपको इस पर क्लिक करना होगा डायल पैड पे। डायल पैड पे जाने के बाद आपको यहाँ पे इस पर क्लिक करना होगा। तो यहाँ पे आपको दिखेगा ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शंस, तो आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपको यहाँ पे बता दिया जाएगा कि आपका कॉल रिकॉर्डिंग इनेबल हो चुका है। तो मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पर कुछ भी डायल करते हैं, कहीं भी कॉल करते हैं तो आपका रिकॉर्ड होना शुरू हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं हमारा ये कॉल रिकॉर्डिंग यहाँ पे होना शुरू हो गया है, और इसको मैं डिसकनेक्ट भी कर सकता हूँ। उसके बाद आप देख सकते हैं ये आपके फाइल में जा चुका है, और यहाँ पे भी आपको शो हो जाएगा ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग किया हुआ, वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। और फ्रेंड्स, इसको बंद करना हो तो कैसे करेंगे, क्योंकि बहुत लोग पूछते हैं कि सर मेरे को ये बताइए कि इसको बंद करना होगा तो क्या करना होगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ इसको बंद कैसे करेंगे। ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग अगर आपने लगा दिया है, फिर गलती से कोई होता है कि क्लिक कर देते हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा फ्रेंड्स, फिर से आपको वही करना होगा। आपको डायल पैड में जाना होगा और इस वाले ऑप्शन पर जाना है और फिर से इसी पर क्लिक कर देना। अभी इनेबल है, आप देख सकते हैं, इस पर क्लिक करेंगे या यहाँ पे डिजेबल यानी कि ऑफ हो चुका है। तो इसी प्रकार से आप ऑन और ऑफ कर सकते हैं ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग को। वीडियो पसंद है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार एंड गुड बाय, टेक केयर।